बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल में खुश आमदीद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये किस्से यहाँ से शुरू होती है। उमर को शुक्र जो है वो कॉफ़ी देता है, वो शुक्रिया अदा करता है। फिर पामीर को दिखाया जाता है। पामीर दफ्तर में से उठ के सीधा के पास आता है। चलो आओ चलें, हमारी मीटिंग है। सीधा कहती है मैं मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती, सिनान का सामना नहीं करना चाहती। पामीर कहता है कि देखो सिनान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम सिनान से मुश्किल क्या है। वो कहती शायद ये इतना ही सादा होता। पामीर कहता है ये सादा ही है, तुमने ही मुश्किल बनाया है, लगता है तुम अपना कंट्रोल खो बैठी हो। सीधा कहती है तुम क्या कह रहे हो। कहता है छोड़ो मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद पामीर वहाँ से चला जाता है और जब वो ऑफिस में जाता है तो वह सिनान से कहता है सिर्फ हम दोनों ही मीटिंग अटेंड करेंगे। फिर सिनान कहता है अच्छा तो क्या अब क्या बुरा हो रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। पामीर कहता है मैंने तुम जैसे बहुत कम लोग देखे हैं जो जिनको तमाम मरात मिलती हैं लेकिन वो इस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद उमर आ जाता है, उमर आके बैठता है। फिर वो तीनों डिस्कस करते हैं। उमर से कहते हैं क्या बात है, तुम बहुत गहरी सोच में। उमर कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे से मुतलिक नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो मीटिंग में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना है। फिर उमर वहाँ से उठता है और डैफनी के पास चला जाता है। डैफनी कहती है मैं तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे अब बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। उमर कहता है मैं अब ठीक हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी नानी से आज आके घर में मिलूँ। डैफनी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उनसे खुद ही बात करूँगी और ख़ुद ही इस मसले को हल करूँगी, प्लीज़ तुम ना आओ। फिर उमर कहता है कि ठीक है जैसे तुम चाहो, चलो फिर आज रात हम कहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तुम्हारे साथ कोई फिल्म या कुछ खाना खाना चाहता हूँ। डैफनी कहती है कहाँ पर। उमर कहता है जैसा तुम कहो वैसा और जो जगह तुम डिसाइड करो। फिर डैफनी कहती है कि हाँ एक जगह है तो सही जहाँ पे हम जा सकते हैं। फिर उमर को बताती है, उमर कहता है बिल्कुल ठीक है फिर हम चलेंगे। इसके बाद फिर वो उसको मिलती है और वो वहाँ से चला जाता है। कहता है मैं सिर्फ तुम किस करने आया था और मैं अब जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जब वो चला जाता है डैफनी फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। सीधा अपने ऑफिस से उठती है और घर जाने के लिए तैयार होती है कि मैं घर से काम करूँगी। तो सिनान उसका आतिकिन कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं। वो सिनान आवाज़ें देता है। सीधा कहती है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, फिर तुम सिनान को बातों में लगाओ, मैं जाती हूँ। इसके बाद डैफनी के घर में दिखाया जाता है कि डैफनी कपड़े पहन के बैठी होती है गाउन के, उसे बुखार हो गया है। नानी कहती है कि देखो फिर मैं शादी पर नहीं जाती, तुम्हारे पास रहती हूँ। डैफनी कहती है नहीं, सारे तैयार होते हैं, सारे तैयार होकर आ जाते हैं। फिर नानी कहती है सबको बताती है इसकी तबीयत नहीं ठीक। तो फिर सरदार कहता है मैं रहता हूँ, निहान कहती है मैं रहती हूँ, लेकिन उन सबको मना के घर से भेज देती है। इसके बाद नानी उसके पास बैठ कर कहती है मैं तुम्हारी तरफ से परेशान रहूँगी। डैफनी कहती है नहीं मैं काम की वजह से थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, आप लोग जाएँ। इसके बाद सब चले जाते हैं। डैफनी तैयार होती है जाने के लिए। जब नीचे उतरती है तो पानी की आवाज़ आ रही होती है, किचन का पानी ख़राब हो जाता है नल का। उमर का फ़ोन आ जाता है। वो उमर से कहती है आज रहने तो नलका ख़राब हो गया और घर में बहुत गंद फैल गया है। उमर कहता है मैं दरवाज़े पर हूँ और मैं आ रहा हूँ। फिर उमर घर में आता है और उसको कहता है देखो इस्माइल के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो तुम्हें पता होगा, ये वाले ले आओ मैं ठीक करता हूँ। फिर उमर किचन में जाके वो नलके को ठीक करता है। डैफनी भी उसके साथ मदद करती है। फिर डैफनी उसको कहती है कि तुम और कौन कौन से काम कर सकते हो, मैं तुम तो हमेशा सरप्राइज़ ही कर देते हो और हैरान करते हो। उमर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये आम सी बात थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तो दरवाजे पे बेल होती है। डैफनी उमर को अपने कमरे में ले आती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठो। उमर कहता है मैं नहीं रुकूँगा। फिर वो डैफनी से कहता है मैं पहले किस करूँगा फिर जाने दूँगा। फिर वो करती है उसको किस, तो फिर नीचे आती है निहान होती है। तो निहान से कहती है कि तुम क्यों आई हो। कहती मैं चार लेने आई हूँ और खाला ने मंगवाया है और तुमने मेकअप और ये बालों का डिज़ाइन बनाया। डैफनी कहती है मैं शीशे में गई थी तो अपना चेहरा देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने इस तरह बना लिया। निहान कहती है मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, लेकिन डैफनी उसको बेच देती है। फिर इसके बाद वो उमर के पास जाती है और वो जाने के लिए जब जाने लगते हैं तो उमर कहता है तुम क्या यही कपड़ों में जाओगी। फिर डैफनी गाउन उतारती है और उसके बाद वो वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि दरवाज़े में से इस्माइल और सरदार की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलने का वो दोबारा वापस आ जाती हैं और वो जब जाती है तो सरदार और इस्माइल कहते हैं तुम, वो डैफनी पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो। कहते वहाँ पे कुर्सियाँ कम हो गई थी तो हम लेने के लिए आए हैं। फिर वो वहाँ बैठ जाती हैं। डैफनी उनसे कहती है ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो। इसके बाद हम देखते हैं
के वो वहाँ बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, टैफनी भी करती है। तो इस्माइल सरदार वहाँ पे कफली पड़े देखता है तो कहता है ये किसकी हैं। डैफनी कहती है अब जाहिर सी बात है भाई आपकी हैं। तो फिर सरदार खुश होकर डैफनी को गले लगाता है। डैफनी कहती है मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसके बाद जब वो उसको मिलती है तो वो फिर उसको शुक्रिया अदा करता है। तो इसके बाद वो इस्माइल को इशारे में बताती है कि उस उमर ऊपर कमरे में है। तो इस्माइल पानी पी रहा होता है, बेचारे को गोता लग जाता है। तो वो फिर कहता है चलो सरदार फ़ौरन चले। फिर वो सरदार को किसी तरह एक झूठी कहानी मोहब्बत की बना के सुना के तो उसको मना लेता है। सरदार बहुत इंप्रेस होता है, कहता है इस्माइल मैं तुम्हारे साथ हूँ और चलो फिर चलते हैं। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल जाते हैं। फिर डैफनी इस्माइल का शुक्रिया अदा करती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो, हम तुम्हारी मोहब्बत का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसके बाद इस्माइल कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा कि तुम्हारा क्या मैं करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो चले जाते हैं। फिर डैफनी उमर के साथ जाती है, रस्ते में बातें करते हैं। डैफनी उमर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मैं वहाँ पे पहले भी जाना चाहती थी लेकिन वहाँ पर नहीं जा सकी, तो इसलिए मैं जाना चाहती थी तो नहीं जा सकी क्योंकि मुझे वहाँ पे पास नहीं मिला था, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने अब इस बात का तुमसे इजहार किया और तुमने वो अरेंज कैसे कर लिया है। उमर कहता है बस देखो कुछ हो गया, थोड़ी सी एफर्ट की और काम हो गया। डैफनी नज़ारा देखती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर उस बैठ के वो बातें करती है, कहती है मैं जो बात सोचती हूँ जैसा सोचती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही कर देते हो, तुम्हें मेरी तुम्हारी ख्वाहिश तुम तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हो। उमर कहता है मेरी की ख्वाहिश है कि तुम्हें खुश रखूं। इसके बाद उमर उसको वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है। फिर उमर उसको घर छोड़ने जाता है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो नानी आ जाती है, कहती है ये लो तुम्हें ये सिदा ने बेचा है, कहती है इसके बाद तुम्हारी बारी है। तो वो डैफनी को देखते हैं, कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो। डैफनी कहती है हाँ मैंने भी कुछ सोचा होगा। नानी बहुत खुश होती है और उसके बाद नानी उसको दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का मंजर दिखाया जाता है कि डैफनी अपने ब्लाउज को ढूंढती है और पूछती है कि मेरा ब्लाउज किधर है, तुमने तो नहीं पहना हुआ। निहार कहती है देखो मैंने क्यों पहनना था और तुम किस लिए मुझसे ये सवाल कर रही हो। डैफनी कहती है कि तुमने मेरा पजामा पहना था पहले और इसलिए मैं पूछ रही हूँ। फिर वो जब जाने लगती है तो वो निहाल कहती है कि तुमने कहा था तुम इस्माइल का आज ख्याल रखोगी इस्सू का। फिर वो ऊपर से इसरा आती है और कहती है सुबह से जो आयशा गुल है वो बाहर बैठी हुई है। फिर सारे वहाँ पे चले जाते हैं आयशा गुल को देखने के लिए। जाके उससे बात करते हैं कि आयशा गुल तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आयशा गुल कुछ नहीं बोलती, पर जब उससे पूछते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। कहते हैं कि उसको नारी लेके गाँव चली गई है अम्मी अबू से मिलवाने के लिए। फिर उससे उसके खावन का पूछती है तो वो कहती है कि वो घर छोड़ के चला गया है। फिर उससे पूछा तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, वो कहती है कि बस मैं वैसे ही बैठी हूँ, पता नहीं क्यों बैठी हूँ तो मैं वैसे ही बैठी हूँ। फिर उसको उठाते हैं और घर ले जाते हैं कि ये पागलों की तरह बातें कर रही है, अपने होशोहवास में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनान को दिखाया जाता है, वो उसको सीधा को फ़ोन करता है और पूछता है कि सीधा तुम कहाँ हो। वो बताते हैं क्या कि वो नहीं है। वो कहती है कि उसने नाइट ड्यूटी नहीं करनी थी। वो कहती नहीं उसने कहा वो घर से काम करेगी। फिर सिनान अपने ऑफिस में से निकल के नीचे आता है, जब देखता है तो सीधा वहाँ से चली गई होती है और कहता है ये क्या बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गला खराब होने